सभी सजनों, अब आपकी सेवा में सर्वनीर के दूसरे भाग की रागनियां पेश करता हूँ। जिस वक्त अमराजा ने सौदागर की रपट लिखवा ली थी, तो अगले दिन उस रपट पर बहस की गई कि क्या यह केस बनता है। यदि बनता हो तो इस पर कौन सी धारा लगेगी, क्या यह केस उच्चतम न्यायालय में भी चलाया जा सकता है। इन सब तर्कों को लेकर वकीलों में बहस हुई। सौदागर के वकील की दलील सुनकर सरकारी वकील उन बच्चों की ओर से खड़ा होकर महाराज अम्ब से इस प्रकार कहने लगा, अरे घातक राड फिसाद नहीं, गल्प कहानी कथा कथन किसी धारा का अपराध नहीं। विधि मरम कहन लगे राजन, घातक राड फिसाद नहीं, कल्प कहानी कथा कथन किसी धारा का अपराध नहीं। छल जाहिर है सेठानी का, यह उच्चतम न्यायालय है रे, चलना केस कहानी का। अरे तरकीन ये तथ्य भूप विषय वासना इसकी वाणी का, दुख दे जाय जा ले सकती है बच्चों की जिंदगानी का, दुख दे जाय जा ले सकती है रे बच्चों की जिंदगानी का। ओ बंद करो सिल सिलाए कोई जब्त करी जादा दिन कहानी कथा कथन किसी धारा का अपराध नहीं। किसी जन्नी के मन के गहने लगता है इन बहुत काल से रे, दुर्घट कष्ट पड़े सैने। अरे राज कवर से लगे रंक ते बदतर है इनके लहने, सुन करुणा में बात भूप की आख्या नीर लग्या बहने, सुन करुणा में बात भूप की आख्या नीर लग्या बहने। ओ शायद ये दिन मात पिता के एक जगह आवाज नहीं, कल्प कहानी कथा कथन किसी धारा का अपराध नहीं।
से ठाणी कामिया संगत बात भी है साक्ष विनायक पक्ष का निर्णय ये नायक उत्पात भी है। अरे निर्धन बालक धनी से ठाणी फिर नारी की जात भी है लगता है इन बच्चों के संग ये कोई गहरा घात भी है लगता है इन बच्चों के संग ये कोई गहरा घात भी है। पात्र पे इनका काबिल केस विवाद नहीं कल्प कहानी कथा कथन किसी धारा का अपराध नहीं। प्रथम पूछ लो उनसे बाल कहानी के अंदर जहरीले दोष रहे कुण से बाल कहानी के अंदर जहरीले दोष रहे कुण से। अरे नाय कक्ष गया गूंज तरक का स्वागत था कर तल धन से धन धन विधि वेता तुमको कुशल पूर्व विध के गुण ते धन धन विधि वेता तुमको कुशल पूर्व विध के गुण ते सुगढ़ पुरुष कभी समय करे बर्बाद नहीं कल्प कहानी कथा कथन किसी धारा का अपराध नहीं। ओ विधि मरमग कहन लगे राजन घातक राड फिसाद नहीं गल्प कहानी कथा कथन किसी धारा का अपराध नहीं। प्रेमी सजनों सरकारी विधवेता के तर्क वास्तव में कारगर और न्यायिक थे। दरबारी लोगों ने इन तर्कों का समर्थन किया। महीपालम ने भी उस रपट को खारिज करना ही उचित समझा। राजा जैसे ही उस याचिका को निरस्त करने का आदेश देना चाहते थे तत्काल ही सौदा करने के वेश में खड़ी महारानी अंबली ने राजा के दौड़कर पैर पकड़ लिए और इस प्रकार कहने लगी। अरे नृप के पकड़े पैर सती ने दौड़ के विनय करो स्वीकार कहूं कर जोड़ के ओ कहूं कर जोड़ के नृप के पकड़े पैर सती ने दौड़ के करो स्वीकार कहूं कर जोड़ के ओ कहूं कर जोड़ के।
मेरी न जानो बन चारण सुत बिछड़न पति मरण हरण मम कई कष्ट सिर पे धारण बच्चों की किवें दल्त कथा नहीं तनक करण दो उच्चारण खुल जागी सब बोले भूप तुम जान सकोगे सब कारण खुल जागी सब बोले भूप तुम जान सकोगे सब कारण कष्ट निवारण करो तरक सब छोड़ के जिन करो स्वीकार कहूं कर जोड़ के ओ अद्भुत दानी कहेंगे पाप उठेगी धरण हरण नीचे मां मुख ते बाणी कहेंगे सदा चरण पिता मरण सुनो जब दरिया का पानी कहेंगे सदा चरण पिता मरण सुनो जब दरिया का पानी कहेंगे मानव दानव हुआ धर्म पथ तोड़ के बिन करो स्वीकार कहूं कर जोड़ के ओ कहूं कर जोड़ के सभी बेसुद हो गया अब तक कभी धर उधर में असमंजस में खुद हो गया घटना हो कोई रेस मई बड़े विकट विचारों का युद्ध हो गया घटना हो कोई रेस मई बड़े विकट विचारों का युद्ध हो गया देख रहे इस तब्द नार की ओढ़ के बिना करो स्वीकार कहूं कर जोड़ के ओ कहूं कर जोड़ के भट के काना गाते हैं चाहे गाया करो पर कोई गाना मत के काना गुरु शरण दास तुके बंदी करता
कवियों के झटके काना गुरु शरण दास तुके बंदी करता कवियों के झटके काना घड़ा पाप का भरार तेगा फोड़ के विनय करो स्वीकार कहूं कर जोड़ के पकड़े पैर सती ने दौड़ के विनय करो स्वीकार कहूं कर जोड़ के ओ कहूं कर जोड़ के सौदागरनी के वेश में महारानी अंबली ने गिड़गिड़ा कर राजा से अपने केस को आगे बढ़ाने के लिए प्रार्थना की तथा उस कहानी के कुछ संकेत भी दिए। राजा को लगा कि इस घटना में कोई रहस्य अवश्य है। राजा ने तुरंत केस को मंजूर कर लिया और उन बच्चों को आदेश दिया कि तुम उस कहानी को दोबारा सुनाओ। बच्चे उस कहानी को सुनाना नहीं चाहते तो इस संदर्भ में वो बच्चे इस प्रकार कहने लगे। अरे मत ना बूझे करुण कथा मई पाल काम छोड़े थी बाणी राम किसु है दुख दर्द घना मत ना बूझे करुण कथा मही पा काम छोड़ बे थी बाणी राम किसु है दुख दर्द घना वक्त ने फेंक दिए ठुकरा के वक्त ने फेंक दिए ठुकरा के सारा दे मिला के गेरे दिए इस डार जैसे नाली में फिके जा पानी राम किसु है दुख दर्द घना मत ना बूझे करुण कथा मही पाल काम छोड़ बे थी बाणी राम किसु है दू
दारा देखना पड़गी न्यू ये विपत्ति
दादान राम किसु है दुखे दर्द घना पाल काम छोड़े ही बानी राम किसु है दुखे दर्द घना सजनों, बच्चों की इस करुण विनय को सुनकर महिपाल स्नेह से दर्वित हो उठे। उनको आश्वासन दिया कि आपके साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं किया जाएगा। यदि आपकी कहानी में कोई दोष भी होगा तो वे भी क्षमा कर दिया जाएगा। आश्वासन पाकर बच्चे अपनी उस कहानी को इस प्रकार सुनाते हैं। अजीवारा कोई अपराध नहीं से किया भी हो तो याद नहीं से रे मारी सुनो कहानी ने से ठानी ने बोल के झूठ से ठानी ने जाल से कर ख्याल करो सो कम सुना दे रात कही उसे फिर सुना दे कथा पुरानी लगा दिया इल्जा बोल के झूठ थानी ने बोल के झूठ थानी ने रजधानी पे तेत जमाया
मरे पिता ते बचल भराया साधु गली लगा दिया इल्जाम बोल के झूठ से ठानी ने बोल के झूठ से ठानी ने चढ़ गए मारे पिता डुबाए उसे पैदे पानी लगा दिया इल्जाम बोल के झूठे ठानी सजनों, बच्चों की पहचान हुई आवाज जब हम राजा के कानों में पड़ गई तो उसी क्षण महीपाल के मस्तिष्क का संतुलन बिगड़ने लगा। महाराज जान गए कि ये दोनों बच्चे मुझे भागे के ही हैं। तुरंत राजा ने सौदागरनी की ओर देखा तो उसकी हालत कुछ और ही नजर आई। दोनों ही एक साथ बच्चों को गोद उठाने के लिए दौड़े। इस दृश्य से सारा दरबार आश्चर्य में हतमलता है। यह सब वर्णन इस रागिणी में इस प्रकार है। अरे कोयल कैसी वाणी मरम की कहानी चित्र दुख दे तसेरीर काया जे बांधे
एकदम उच्च थल रुके हैं प्राण।
समाधि सी लग गई एकदम उच्च थल रुके है प्राण श्वेत रंग का दल देखा मध्य में लिखा था नाम गायत्री का मंत्र उसके चौगरदे लिखा था राम आठ भुज में शक्ति देखी चतुर भुज हरी थे श्याम आठ भुज में शक्ति देखी चतुर भुज हरी थे श्याम काम नाथ हटे के राम नाम राटे के ले लिया लाभ सारी बांधे टूट गया धीर का पे शंकर देखे नील कंठ नेत्र तीन सामने अचानक आया असंभव सुसंगत सीन सामने अचानक आया असंभव सुसंगत सीन गुरु शरण दास माया तेरी का किसी को न पाया पार छिन्न भिन्न कर कर पहले इकट्ठे किए फिर चार आरती करण लगे राजा वेद का निचोड़ा सार आरती करण लगे राजा वेद का निचोड़ा सार बार सा उतारेगा दुख सा बिसारेगा सुख दे तरसे आखीर का बांधे टूट गया धीर का कोयल कैसी बाणी मरम की कहानी चित्र दुख दे तस्वीर का बांधे टूट गया धीर का सजनों महाराजा अम्ब जब यह देखते हैं कि भौतिक आनंद से परमानंद अधिक ही सुखदाई है तब राजा प्रसन्न हृदय से भगवान की उस मूर्ति को ध्यान में धर के स्तुति करते हैं कहते हैं कि हे प्रभु तुम्हारी गति का तुम्हारे रूप का तुम्हारी कृपा का किसी प्रकार भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता। राजा की प्रार्थना का भाव कुछ इस प्रकार था मथुरा में माधव ब्रज के सभी गोकुल में गोपाल तुई दीनानाथ दिगंबर दाता दानी दीन दयाल तुई दीनानाथ दिगंबर दाता दिल दयाल तुई तुई
निध में तूफान तुई और छवि तुई अमला तट में श्वेत शिला पे शंकर तू है गंगा है शिव के लट में भक्तों का अवतार तुई है चिंदानत ज्ञानी हट में भक्तों का अवतार तुही है चिंदानत ज्ञानी भट में अक्षय वट में अमर तुही अरे मान सरोवर पाल तुही दीनानाथ दिगंबर दाता दानी दीन दयाल तुही ब्रह्म अनादि हरि हर निर्माणक जग धरता तू अगम अगोचर अचर चरा चर है अति अचल विचरता तू दामोदर मर्याद आत्मा वेद पुरुष दुख हरता तू दामोदर मर्याद आत्मा वेद पुरुष दुख हरता तू नाजी तारा मरता तू है नाजी तारा मरता तू है अक्षर बीज विशाल तू दीनानाथ दिगंबर दाता दानी दिन दयाल तुही
और अब सोनोटोन का पैगाम आप सभी श्रोताओं के नाम अनेक भाषाओं में अपने मन पसंद गीत लोकगीत भजन कव्वालियों और हंसने गुदगुदाने वाले सोनोटोन प्री रिकॉर्डेड कैसेट्स ही खरीदिए। घटिया क्वालिटी के डुप्लीकेट कैसेट्स आपके कैसेट डेक और टेप रिकॉर्डर के लिए खतरनाक हैं। ओरिजिनल सोनोटोन प्री रिकॉर्डेड कैसेट्स खरीदने से पहले सोनोटोन का ट्रेडमार्क जरूर देखिए। तो प्रेमी सजनों, भगवान की स्तुति के पश्चात राजा फिर अपने ध्यान में वापस आते हैं और उन बच्चों से बार बार कहानी को सुनते हैं। कहानी का सुनना पश्चात न्याय करना आदि कथा कवि ने इस रागिनी में इस प्रकार दर्शाई है। अरे सरवरत सुनी कहानी घबरा गई अंबली, रानी तोड़ के झटकोली भरली भूप के सन्नाटा छाया। छुट्टी दूध की धार भरी जब गोदी महारानी ने, लाड लडा के आंसू पूछे नारद ठाणी ने, भई छुट्टा पसीना अमरा जाका सुन अपनी कहानी ने, हर हो से हुआ सुख की गोदी भग के भरली दानी ने, पहचानी अंबली प्यारी और खुशी मनाई भारी राम ने, अब पिता हरली कुटम बिन ढूंढे सर पाया, कुटम बिन ढूंढे सर पाया। महारानी समझा राजा ने महलो बीच खदाई, सौदागर की भरी हथकड़ी फांसी पे जान खपाई, जहाज खजाने में गेरा और हटियारी बुलवाई, बिन पूछताछ के राजा ने धरे ती अंदर गढ़वाई, धोबी धोबन बुलवाए और लिए बया जो पाए, जन्म कैद कर ली ध्यान जब नीति पे आया, ध्यान जब नीति पे आया, कितने में नारद जी आए भेस छोड़ के जाली, कया मुनि ने करतुति हम मैं तेरी अजमाली, अपने अमृत सर को ले मैं कर आया खाली, अमृत सर की अमराजा को आके दे दी ताली, जब सुनी ऋषि की वाणी सुख चाहे पहले रानी राम ने, फिर धीरज धर ली ऋषि का तोहफा अपनाया, ऋषि का तोहफा अपनाया। अरे नागलपुर में बहुत दिनों तक रहे थे राजा रानी,
सर्वर निर्जाना भाइयों की हर कम होगी जानी। नांगलपुर की राजा ने सर वर को दी राजधानी। अमृतसर को लौटे तीना खत्म हुई ये कहानी। गुरु शरण दास घर जाओ बच्चों को कथा सुनाओ। धर्म की नाव पर परली पाप का बेड़ा गर्क आया भूप के सल्लाटा छाया। सरवर ते सुनी कहानी घबरा दी अंबली। रानी दौड़ के छटकोली भरली भूप के सल्लाटा छाया भूप के सल्लाटा छाया।